हेलो एवरीवन, एक सवाल जो कि बहुत से लोग पूछते हैं कि हमने अनवांटेड किट लिया, उसकी पहली टैबलेट लेने के बाद यानी कि मिफेपिस्टोन टैबलेट लेने के बाद ही हमको हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। हैवी ब्लीडिंग हमको स्टार्ट हो गई है तो क्या हमको बाकी की चार टैबलेट यानी कि बाकी की चार टैबलेट मिसोपिस्टोन की लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। हालांकि इस बारे में एक और वीडियो आ चुकी है यानी कि पहली दो टैबलेट लेने के बाद आपको ब्लीडिंग हो गई है तो उसके बाद क्या हमको बाकी की और टैबलेट लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, तो इस पे भी इसके बाद भी बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि पहली टैबलेट लेने के बाद हमको ब्लीडिंग हैवी शुरू हो गई है तो बाकी की चार हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो क्लियर इस वीडियो में आपको बताऊँगी, लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें जिससे कि आपको पूरी पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आने वाले सारे वीडियोस के आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि अनवांटेड किट की जो पहली टैबलेट है उसको लेने के बाद आपको हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो उसके बाद भी क्या आपको चार टैबलेट कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो बिल्कुल आपको कंटिन्यू करनी चाहिए, पूरा किट आपको लेना होता है यानी कि पांच टैबलेट जैसे कि आप जानते हैं इस किट में आती हैं तो पांचों की पांच टैबलेट आपको लेनी होती हैं। जैसे कि फर्स्ट टैबलेट इसमें मिफेपिस्टोन होती है, इसमें जो है इसका काम होता है आपकी प्रेगनेंसी हार्मोन को रोकना यानी कि प्रेगनेंसी हार्मोन को बनने से रोकना, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन का काम होता है आपकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू बनाना पूरे 9 महीने तक ताकि प्रेगनेंसी अच्छे से चले और बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो। तो इस हार्मोन को ही बीच में ये रोक देता है, पहले वाली टैबलेट का ये काम होता है मिफेपिस्टोन का, आपके प्रेगनेंसी हार्मोन को ये रोकता है। बाकी की चार टैबलेट मिसोपिस्टोन की, इनका काम होता है आपकी बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करना यानी कि दर्द पैदा करना, और दर्द जब होंगे तो तभी जो मटेरियल अंदर होगा प्रेगनेंसी का वो बाहर स्पेल आउट होगा, बाहर निकलेगा। तो दोनों टैबलेट का अलग अलग काम होता है, कॉम्बिनेशन की ये टैबलेट होती हैं। फर्स्ट मिफेपिस्टोन की होती है जिसका काम होता है आपकी प्रेगनेंसी हार्मोन को रोकना, बनने से आगे ग्रो होने से रोकना। दूसरा जो चार टैबलेट होती हैं बाकी की मिसोपिस्टोन की, उनका काम होता है आपके बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करना, दर्द पैदा करना, ताकि जो भी मटेरियल अंदर है आपकी बच्चेदानी में वो बाहर निकल सके, स्पेल आउट हो सके अच्छे से। तो आपको पूरा किट लेना है, जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट टैबलेट का अलग काम है। तो फर्स्ट टैबलेट आपने ले तो ली तो उसके बाद वो केवल आपकी प्रेगनेंसी हार्मोन को ही रोकेगा। जी हाँ, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमको पहली टैबलेट को लेने के बाद ही हैवी ब्लीडिंग हो गई है तो बाकी की चार लें या नहीं लें। तो अब आप ज़रूर समझ गए होंगे, मैंने डिटेल में बता दिया है कि दोनों टैबलेट का काम अलग अलग होता है, कॉम्बिनेशन की टैबलेट होती हैं तो पांचों टैबलेट आपको लेनी होती हैं। पहली टैबलेट को लेने के बाद भी आपको लेने के बाद आपको ब्लीडिंग हो गई है, हैवी ब्लीडिंग हो गई है, तब भी आपको लेना है क्योंकि पहली टैबलेट का काम होता है आपके हार्मोन को रोकना, प्रेगनेंसी हार्मोन को रोकना। अगर आपने बाकी की चार नहीं ली तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, बच्चेदानी में दर्द नहीं होगा और जो भी प्रोडक्ट अंदर है वो बाहर स्पेल आउट नहीं होगा, अच्छे से नहीं निकलेगा और आपका अबॉर्शन जो है इनकम्प्लीट रह जाएगा, वो कम्प्लीट नहीं होगा, पूरा नहीं हो पाएगा। तो दोनों का अलग अलग काम होता है, इसलिए एक भी टैबलेट को आपको नहीं छोड़ना है, पूरी पांचों की पांचों टैबलेट जैसे डॉक्टर ने आपको बोला है लेने के लिए उसी तरीके से लेना है, और डॉक्टर के बताए गए तरीके से आप लेंगे तो आपका अबॉर्शन भी कंप्लीट होगा। और हमेशा ये टैबलेट लेने से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही इस मेडिसिन को लेंगे और उनके बताए गए मेथड से तरीके से लेंगे तो आपका अबॉर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कई सारी लेडीजों का क्वेश्चन होता है कि हमने मेडिकल स्टोर से ले ली और हमारा जो है ब्लीडिंग कंटिन्यू चल रही है या फिर ब्लीडिंग हो ही नहीं रही है, तो इस तरीके से अगर लेंगे तो आपका जो अबॉर्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, मेरे बताए गए तरीके को आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और भी कोई सवाल है, कोई डाउट मन में है तो नीचे हमें कॉमेंट में ज़रूर लिखें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।